हालात बुरे हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम उस सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जीके बनर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेशों की। तो वीडियो को अगर आपके अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि राजस्थान का निर्माण प्राचीन ऐतिहासिक काल के अंदर हुआ था, जो कि प्राचीन भूखंडों से राजस्थान का निर्माण हुआ था। तो उन भूखंडों को दो भागों में बांटा गया, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। और इन दोनों के बीच में एक जलीय भाग था, जिसको टेथिस सागर बोला गया। तो राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना दिया है। उसके बाद में मैं आपको संक्षिप्त रूप से समझा देता हूँ कि कैसे राजस्थान का निर्माण हुआ। तो गोंडवाना लैंड और अंगार लैंड दो भाग थे, तो उनमें से केवल राजस्थान, गोंडवाना लैंड का निर्माण राजस्थान का हुआ था गोंडवाना लैंड से, और टेथिस सागर का भी हिस्सा जो कि राजस्थान के निर्माण में था। तो टेथिस सागर से हुआ उत्तरी पश्चिम मरुस्थल प्रदेश का और पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ था टेथिस सागर से। फिर गोंडवाना लैंड से हुआ अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती पठारी प्रदेश का निर्माण हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं एक एक प्रदेश की संक्षिप्त जानकारी के बारे में, फिर बात करेंगे हम राजस्थान के प्रमुख सभी भौतिक प्रदेशों की संपूर्ण जानकारी के बारे में। फिर हम बात कर लेते हैं भौतिक प्रदेशों की जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम मरुस्थलीय प्रदेश की। तो मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, मरुस्थलीय प्रदेश का राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 61% क्षेत्रफल है। और जनसंख्या की बात कर ली जाए तो राजस्थान की 40% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। और जलवायु कैसी है, जलवायु है शुष्क जलवायु। कैसी है, शुष्क जलवायु है मरुस्थली प्रदेश की। और मृदा कैसी पाई जाती है, रेतीली मृदा पाई जाती है, मृदा है रेतीली। और कितने जिले, 12 जिले इसके अंदर निवास करते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का कितना क्षेत्रफल, 23% क्षेत्रफल राजस्थान के अंदर आता है। और जनसंख्या की बात कर ली जाए तो 39% जनसंख्या निवास करती है। और जलवायु की बात कर ली जाए तो यहाँ की जलवायु है आर्द्र जलवायु। और मृदा की बात कर ली जाए तो मृदा है यहाँ पर जलोट या दोमट मृदा। और जबकि इसके अंदर जिलों की बात कर ली जाए तो इसके अंदर भी 12 जिले राजस्थान के आते हैं। और फिर बात कर लेते हैं अरावली प्रदेश की। तो अरावली प्रदेश की का कुल क्षेत्रफल है राजस्थान के अंदर 9% क्षेत्रफल, और 10% जनसंख्या यहाँ पर राजस्थान की निवास करती है। और फिर जलवायु की बात कर ली जाए तो यहाँ उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी, उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और मृदा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर काली पथरीली मृदा पाई जाती है, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है तो पथरीली मृदा ही पाई जाएगी। और कुल जिलों की बात कर ली जाए तो इसके अंदर 13 जिले आते हैं। फिर बात कर लेते हैं हाड़ौती प्रदेश की। तो हाड़ौती प्रदेश का क्षेत्रफल है 6.89%, और यहाँ पर राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ की जलवायु की बात कर ले तो अति आर्द्र जलवायु है यहाँ की, क्योंकि हाड़ौती प्रदेश को में सर्वाधिक नदियों की मात्रा, राजस्थान में सर्वाधिक नदियां हाड़ौती प्रदेश के अंदर ही हैं। फिर बात कर लेते हैं यहाँ मृदा की। तो यहाँ पर काली कपासी मृदा पाई जाती है, काली कपासी मृदा पाई जाती है। और फिर जिलों की बात कर ली जाए तो राजस्थान के 7 जिले निवास करते हैं। तो ये थी आपकी भौतिक प्रदेशों की जो बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। अब कल जो आप नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर मैं आपको इस भौतिक प्रदेशों को विस्तार से एक एक को समझा दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।